गैसियस एक्सचेंज के टॉपिक को हम पढ़े थे अपने लास्ट लेक्चर के अंदर. हमने अर्थवॉर्म को, हाइड्रा को और कॉकरोच को देखा था कि उनके अंदर रेस्पिरेशन किस तरह से होती है. आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम कुछ और ऑर्गेनिजम्स को देख लेंगे कि उनके अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो किस तरह से होता है. आज का जो हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है उसे हम कहते हैं वो है फिश. रेस्पिरेशन हम देखेंगे फिश के अंदर किस तरह से होती है. रेस्पिरेशन इन फिश, ठीक है. फिश को जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक्वेटिक है, पानी के अंदर पाई जाती है, तो इसके अंदर जो रेस्पिरेशन है ये थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी एज़ कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनिजम्स. बाकी ऑर्गेनिज्म से मुख्तलिफ है. और जैसे जैसे हम एवोल्यूशन की बात कर रहे थे, हमने देखा था कि लास्ट लेक्चर के अंदर भी हाइड्रा जो है वो बहुत ही सिंपल सा ऑर्गेनिज्म था. उसके बाद जब हमने अर्थवर्म की बात की तो हमने कहा कि हाइड्रा से थोड़ा सा कम्प्लेक्स है. और जब हमने उसके बाद कॉकरोच को देखा तो वो हाइड्रा और अर्थवर्म दोनों से थोड़ा कम्प्लेक्स था. इसी तरह जब हम अभी के फिश के टॉपिक के ऊपर आ गए हैं तो फिश जो है वो उन तीनों ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा कम्प्लेक्स है. कम्प्लेक्स इस तरह से है कि फिश के अंदर जो है वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन प्रेजेंट है और एक पूरा सर्कुलेशन का और रेस्पिरेशन का सिस्टम प्रेजेंट है जिसके थ्रू फिश के अंदर रेस्पिरेशन जो है वो पॉसिबल होती है, ठीक है. इसको हम साथ में मेंशन भी कर देते हैं. जैसे हमने बोला कि फिश के अंदर जो है वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स प्रेजेंट है. क्या स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जो है, जब हम बात करते हैं फिश की तो वो क्या है? फिश के अंदर जो रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गन यूज होता है उसे हम कहते हैं गिल्स, ठीक है. तो फिश के अंदर गिल्स प्रेजेंट हैं और ये जो गिल्स हैं वो उसकी दोनों साइड्स के ऊपर, फिश के अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो फिश के दोनों साइड्स पे गिल्स प्रेजेंट होते हैं. बल्कि एक काम करते हैं कि हम यहाँ पे एक डायग्राम को देख भी लेते हैं साथ में. अच्छा, ये हमारे पास एक स्क्वीज्ड सी डायग्राम है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक फिश है और फिश के अंदर बेसिकली हमने क्या कहा कि हमारे पास गिल्स प्रेजेंट है जिसके थ्रू रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है या एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल होती हैं. तो ये किस तरह से पॉसिबल होती हैं? यहाँ पे अगर आप इस फिश के स्ट्रक्चर को देखें तो आप देख सकते हैं कि ये एक इस तरह से फिश की एक साइड यहाँ पे दिखाई दे रही है. तो इस तरह से फिश के अंदर दोनों साइड्स पे, एक ये वाली साइड और एक जो इसकी उल्टी दूसरी साइड होगी वहाँ पे भी गिल्स प्रेजेंट होते हैं. और ये गिल्स कितने होते हैं? बेसिकली हम कहते हैं ये 4 to 5 पेयर्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है. तो ये जो 4 to 5 गिल्स के जो पेयर्स हैं, यहाँ पे रेस्पिरेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है? रेस्पिरेशन इस तरह से होता है कि अगर आप देखें, यूँ इस तरह से मैं गिल्स यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है. लेट सपोज ये हमारे पास गिल्स प्रेजेंट है, ठीक है. तो फिश के अंदर होता यह है कि फिश के माउथ के अंदर से, ये फिश का मुंह है, ठीक है. तो फिश के माउथ के अंदर से पानी जो है वो मूव करता है और गिल्स के अंदर से बाहर आ जाता है, ठीक है. ये पानी का एक गुजरने का रास्ता है. कॉन्टीन्यूसली फिश के अंदर ऐसे ही होता रहता है कि पानी उसके मुंह से एंटर होता है और गिल्स के थ्रू जो है वो बाहर आता रहता है, ठीक है. अब गिल्स के अंदर क्या होता है? गिल्स के अंदर हमारे पास कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, छोटी छोटी खून की नालियाँ प्रेजेंट होती हैं और उन कैपिलरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है. तो यहाँ पे ये जो कैपिलरीज हैं उनकी वॉल्स इतनी थिन होती हैं, ब्लड वेसल्स की वॉल्स इतनी थिन होती हैं कि उनके थ्रू यहीं पे जो है वो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है और जो पानी के अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है वो इस ब्लड के अंदर एंटर हो जाती है, ठीक है. अगर इस वाली डायग्राम के अंदर आप इसके इस हिस्से को देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमने देखा कि वाटर जो H2O यहाँ इसके मुंह से एंटर हुआ, इसके माउथ से एंटर हो गया और यहाँ पे हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है आपको नज़र आ रहा है, ये इस तरह से ये वाले जो स्ट्रक्चर हैं बेसिकली ये क्या है? ये है गिल्स, ठीक है. पेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट है गिल्स. और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो स्ट्रक्चर है हम गिल आर्च भी बोलते हैं, ठीक है. तो पानी जो है इसके अंदर से एंटर हो रहा है, ब्लू कलर से आपको पानी नज़र आ रहा है, वाटर इसके अंदर एंटर हो गया और गिल्स के अंदर क्या हो रहा है? यहाँ पे हमने कहा कि ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट हैं या ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं और ब्लड वेसल्स जो हैं वो डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विद वाटर आ रही है. पानी इसके साथ, गिल्स के साथ जो है वो पानी गुजरता जा रहा है और इस पानी के अंदर से जो ऑक्सीजन है वो इस ब्लड के अंदर, जो गिल्स के अंदर ब्लड प्रेजेंट होगा उनके अंदर एंटर हो जाता है. तो ये इसके अंदर एक पूरा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू फिश के अंदर हम कहते हैं कि रेस्पिरेशन जो है वो पॉसिबल है. जब हम गिल्स की बात करें, गिल के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हम देख लेते हैं. गिल्स, ठीक है, कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं गिल्स की. जैसे कि हमने कहा कि गिल्स जो हैं वो हाईली मॉडिफाइड स्ट्रक्चर हैं, हाईली मॉडिफाइड स्ट्रक्चर हैं और ये बहुत ही एफिशिएंट ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि फिश के अंदर रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होते हैं. और हमने कहा कि गिल जो है वो 4 to 5 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं फिश की पूरी बॉडी के ऊपर, ठीक है. और गिल जो है वो गिल स्लिट्स, यहाँ पे गिल स्लिट्स बनी होती हैं फिश की बॉडी के ऊपर,
इस एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पे गिल स्लिट्स जो है वो प्रेजेंट होंगी, गिल्स उसके अंदर होंगे। गिल्स के जब हमने कहा कि एफिशिएंट है, एफिशिएंट होने का मतलब क्या है, एफिशिएंट इसलिए भी है गिल्स बिकॉज इनका जो सरफेस एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। दे हैव ग्रेट सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे गैशियस एक्सचेंज जो है वो आसानी से हो जाता है। गिल जो है वो हर वक्त जो है, गिल्स के अंदर जैसे कि हमने बात की कि पानी जो है, क्योंकि मछली होती पानी के अंदर है, तो मछली के अंदर जो है गिल्स के अंदर हर वक्त जो है वो पानी गुजर रहा होता है, ठीक है। अब गुजरने पानी के कॉन्स्टेंटली, पानी के गुजरने या कॉन्स्टेंट फ्लो की वजह से क्या होता है कि कॉन्स्टेंटली गिल्स जो हैं वो अपना काम करते रहते हैं, और यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज का जो प्रोसेस है वो हर वक्त इसके अंदर पॉसिबल होता है, ठीक है। अब अगर हम इसके सर्कुलेटरी सिस्टम को थोड़ा सा देख लें तो हमारे लिए रेस्पिरेशन थोड़ा सा पढ़ना और इजी हो जाएगा। फिश के अंदर जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि फ़िश के अंदर जो है वो, बल्कि मेंशन कर देते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, फ़िश का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमने कहा कि इसके अंदर क्या होता है, इसको हम कुछ स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट स्टेप में ये होता है कि हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है गिल्स के अंदर, ठीक है। हार्ट पंप्स द ब्लड इनटू गिल्स। अब हार्ट के अंदर कौन सा ब्लड था, हार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ठीक है। वो गिल्स के अंदर आ गया, गिल्स के अंदर क्या होगा कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। गिल्स के अंदर क्या हुआ कि ब्लड जो है वो कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और ये वाला जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या होगा कि अब वो आगे ट्रांसफर हो जाएगा पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। ऑल बॉडी या होल बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, और फिर क्या होगा कि बॉडी के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो मूव करेगा दोबारा से हार्ट की तरफ, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि ये थ्री स्टेप प्रोसेस है सर्कुलेशन का, और यही हमारे पास रेस्पिरेशन के लिए भी हम कह सकते हैं कि यूज़ होता है। अब अगर आप इस थ्री स्टेप प्रोसेस को देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि ये जो हार्ट है इसके अंदर से ब्लड सिर्फ एक दफ़ा गुजरता है, और वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है, ठीक है। इसलिए हम ये जो फ़िश के अंदर जो सर्कुलेशन का सिस्टम है, या जो हार्ट होता है फ़िश के अंदर, इसको हम कहते हैं, फ़िश का जो हार्ट है वो सिंगल सर्किट हार्ट, ठीक है, सिंगल सर्किट हार्ट है, या फिर हम इसको कहते हैं कि फिश के अंदर सिंगल सर्किट सर्कुलेशन हो रही होती है। इसके अंदर क्या होता है कि ब्लड जो है वो सिर्फ वन डायरेक्शन, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ब्लड जो है वो फ्लो करता है। वो किस तरह से एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, अगर हम इसकी इसकी डायरेक्शंस बनाएं तो वो किस तरह से बनेगी, ऐसी डायरेक्शंस बनेगी। हमने कहा कि हार्ट के जो ब्लड है वो हार्ट के पोस्टीरियर साइड से एंटर होता है, ब्लड जो है वो एंटर हो रहा है हार्ट के अंदर, ठीक है। ये हम बॉक्स से हार्ट बना देते हैं। अब हार्ट के अंदर से क्या होता है, ये जो ब्लड था ये हमने कहा कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ठीक है, इसलिए हम इसको ब्लू से बना रहे हैं। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आ जाएगा गिल्स के अंदर, ये बॉक्स जो है वो गिल्स को शो कर रहा है, ठीक है। अब गिल्स के अंदर क्या होता है, हम जानते हैं कि गिल्स के अंदर कॉन्स्टेंटली वाटर मूव कर रहा होता है, ठीक है। ये वाटर है जो कि मूव कर रहा है कॉन्स्टेंटली गिल्स के अंदर से, और होगा क्या कि गिल्स के अंदर से जब पानी मूव करेगा तो हमारे पास जो ब्लड है वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब ये जो रेड कलर है यहाँ पे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो कर रहा है, और यहाँ से क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये फिर पूरे बॉडी के अंदर, ठीक है, ये पूरे बॉडी के अंदर आएगा, बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक पहुंचेगा, वहाँ पे जो भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस है सेलुलर लेवल पे वो कंटिन्यू होगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ जाएगी ब्लड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सा ब्लड आ रहा है ये अब कौन सा ब्लड होगा, ये होगा हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये फिर वापस जो है वो हार्ट की तरफ आ जाएगा। तो ये एक वन
स्टेप या हम कह सकते हैं कि सिंगल सर्किट है या एक फ्लो है हमारे पास ब्लड का जो कि पूरे के पूरे फिश की बॉडी के अंदर चल रहा होता है। गिल्स के अगर हम स्ट्रक्चर को देख लें, ये हमारे पास एक फिगर बनी हुई है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू कलर है ये शो कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजन पुअर ब्लड को जो कि हमारे पास बॉडी से आ रहा है, और जो रेड कलर या पिंक कलर बेसिकली जो है ये शो कर रहा है ऑक्सीजन रिच ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, हो क्या रहा है कि हमारे पास ये जो ऑरेंज कलर से आपको शो हो रहे हैं ये हमारे पास गिल्स बने हुए हैं। ठीक है, और वाटर जो है कॉन्स्टेंटली इसके अंदर से मूव कर रहा है। अब गिल्स के अंदर हो क्या रहा है कि जो ब्लड है, ब्लड की ढेर सारी कैपिलरीज यहाँ पे प्रेजेंट है, कैपिलरीज का यहाँ पे आप मैश या नेटवर्क देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा हम इसे कहते हैं, ये है हमारे पास नेटवर्क या मैश, और ये है क्या ब्लड कैपिलरीज हैं ये। ठीक है, अच्छा ब्लड कैपिलरीज हैं, इसके अंदर क्या है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मूव कर रहा है इस साइड पे, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, और यहाँ पे हो क्या रहा है कि वाटर जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस तरह से मूव कर रहा है, और जैसे ही ये मूव करता जा रहा है साथ साथ ये ऑक्सीजनेट होता जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर से आप देख सकते हैं इसके कलर किस तरह से चेंज हुआ कि पहले ये यहाँ पर आपको ब्लू कलर शो हो रहा है, उसके बाद पर्पल, और उसके बाद ये पिंक कलर में चेंज हो गया, और पिंक कलर क्या शो कर रहा है, पिंक कलर आपको ऑक्सीजन रिच ब्लड को शो कर रहा है, यानी कि ये जो पिंक कलर है यहाँ पे आके आपके पास ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो है वो कन्वर्ट हो गया, यानी कि डिफ्यूजन के प्रोसेस को आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे पास ऐसा ब्लड था जिसके अंदर ऑक्सीजन कम थी और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा थी, और अब यहाँ पर आके वो ब्लड इस तरह से कन्वर्ट हो चुका है कि अब उसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा है। ठीक है, और अगर हम इसकी डायरेक्शन बनाएं तो हम ये जानते हैं, हमने बात की है कि ये जो ब्लड है ये हमारे पास पूरी बॉडी से आ रहा है। ठीक है, और ये डीऑक्सीजनेटेड अभी जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है ये हमारे पास वापस जो है वो बॉडी के अंदर आएगा। ठीक है, ये जो बॉडी के अंदर है इसको हम बेसिकली बॉडी नहीं कहेंगे, हम कह देते हैं कि ये जो है वो हार्ट से आ रहा है, बिकॉज ये यहाँ पे हार्ट की तरफ आ गया। ठीक है, अब हार्ट जो है हार्ट हमने कह दिया बिकॉज हार्ट ही पंप करता है ब्लड को, तो अब हम ये देख सकते हैं कि बॉडी की तरफ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे पास डिफरेंट सेल्स और टिश्यूज तक पहुंचेगा, और टिश्यूज से वापस वो डीऑक्सीजनेट होकर हार्ट तक आएगा और हार्ट इसको वापस पंप कर देगा गिल्स की तरफ। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है, इसके थ्रू फिश के अंदर रेस्पिरेशन होती है। अपने लेक्चर को यहीं पे हम एंड कर देंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ और ऑर्गेनिजम्स देख लेंगे कि उनके अंदर रेस्पिरेशन किस तरह से होती है।